So it's summer of 2023 and let's begin our seacation. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सह परिवार ट्रैवल कर रहा हूँ पुणे से मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जहाँ से हम बोर्ड करेंगे द एम्प्रेस शिप और फिर शुरू हो जाएगा हमारा 5 दिनों का सफ़र फ्रॉम मुंबई टू कोची टू लक्षद्वीप। सो लेट्स बिगिन। देखो कैसे सारे लोग खड़े हैं बोर्ड करने के लिए। So, I am on the alley of my deck number 4. So, let me just quickly take you to my room 2. So, this is my room 4646. Let's go inside. ये हमारा रूम है जिसमें घुसते साथ में ये रेडी हो रही है और गेट के जस्ट पीछे देखे तो यहाँ पे एक बड़ा सा आईना लगा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉअर है जिसमें बहुत सारे हैंगर्स है। यहाँ पे कुछ लाइफ जैकेट भी रखे हुए हैं सारी पैसेंजर्स इस रूम के लिए। और इसके बाद में बगल में भी एक छोटा सा लॉकर है और कुछ और हैंगर्स। और अंदर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा एक ड्रेसिंग टेबल है, बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं। हाँ, और यहाँ पर भी बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं। और अंदर आएंगे तो वहाँ पे एक टीवी है, टीवी के साथ में एक छोटा सा टेबल है। और टेबल कि यहाँ पे एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कन्वर्टर लाना बहुत ज़रूरी है, अडाप्टर, क्योंकि यहाँ पे सारे जो पोर्ट्स है यूएस स्टाइल है तो ये नहीं लाओगे तो चार्जिंग करने मुश्किल होगा, इसलिए मैंने एक अलग से एक चार्जिंग हब भी पकड़ा हुआ है। और इस तरफ देखेंगे तो ये हमारा है स्लीपिंग अरेंजमेंट, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं इसीलिए यहाँ पे 2 बेड्स हैं और एक ऊपर बंक बेड है। एक्चुअली दोनों साइड में बंक बेड है तो इसको हम लोग ने एक तरफ का ही खोला है और इसमें सीढ़ी दिया हुआ चढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो वॉशरूम है ये भी बड़ा छोटा सा प्यारा सा और फुल्ली फंक्शनल है। ये आप देखो इधर में और इधर में एक छोटा सा शावर। और इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये एक यूएस स्टाइल शिप है तो यहाँ पे इसमें कमोड में यहाँ पे कोई जेट्स नहीं होता है, तो इसके लिए भाई अगर इंडियन स्टाइल यूज़ करते हो तो मग्गा ले आओ, बेटर है। और सबसे अच्छा बात इस रूम का है, इधर आप आओगे तो ये व्यू। Thank you.
वो हम लोग पहुंच गए ये मार्केट थिएटर के अंदर में। कितना सुंदर लग रहा है थिएटर। तो ये हॉल है, यहाँ पे शो होने वाला है थोड़ी देर में और लोग धीरे धीरे जमते हुए यहाँ पे। निकालो जी अपने मोबाइल जो भाई तय कर लो जी तो मैं कैप्चर पे बोलो शो। बहुत मजा आया, दो घंटे से बांधे रखा ना कि पता ही नहीं चला। तो ये सेकंड डे है मॉर्निंग और हम लोग निकल पड़े ऊपर और हम लोग ढूंढ रहे हैं जिम। तो ये एक रेस्टोरेंट है डोम नाम का, सुबह 7 बजे कैसा खाली खाली है और शायद जिम उस तरफ है। चलिए जिम की तरफ चलते हैं। टाइमिंग है लेकिन 6 से 12 और 3 से 7। चलिए अपना टाइम है। वाह वाह, यहाँ का जिम तो काफी बड़ा है और लग रहा है सही टाइम पे है। हम ही लोग सबसे सुबह है तो यही नहीं यहाँ पे हमारे अलावा। काफी कुछ है यहाँ पे, मतलब इसका व्यू लेते हुए, समुद्र का व्यू लेते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तब अभी सनराइज कितना सुंदर था नहीं? हाँ, मतलब थोड़ा लेट हुआ लेकिन थोड़ा क्लाउडी था सुबह में, थोड़ा लेट से थोड़ा क्लाउड होता तब जाके उधर अभी सनराइज दिख रहा है और बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे मस्टर में। तो ये जो जगह है बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इसको हम लोग मस्टर स्टेशन बोलते हैं, राइट। तो इस जगह में पर मॉक ड्रिल, हाँ मॉक ड्रिल, मतलब क्या होता है जब आप लोग शिप पे चढ़ते हैं तो आप लोग कुछ इमरजेंसी ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर इनकेस कोई इमरजेंसी आप लोग शिप को इवैक्यूएट कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि जब हम लोग शिप पे चढ़ते हैं सबको एक ऐसा एक एक्सेस कार्ड दिया जाता है रूम का, तो इसमें आपका नाम, आपका रूम नंबर, केबिन नंबर सब कुछ दिया होता है, इसके साथ में एक मस्टर स्टेशन नंबर भी होता है। जब कुछ इमरजेंसी होने से सायरन बजेगा और उसके बाद सभी को ये मस्टर स्टेशन की तरफ आना होगा। यहाँ पे बताया आपको कि कैसे वो जैकेट पहनना है, जैकेट पहनने के बाद आप देखोगे सबका मस्टर स्टेशन नंबर असाइंड है यहाँ पे। तो हमारे ऊपर आप देख रहे हो कि एक इवैक्यूएशन बोट है, तो जब अगर कुछ केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग इस जगह पे आएंगे, हमारा नाम कॉल होगा, फिर हम लोग इस बोट पर बैठ के इवैक्यूएट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो अभी हम लोग डेक नंबर 6 पे घूम रहे हैं। ये है कैसीनो। तो हम लोग है कैसीनो के अंदर सुबह सुबह, क्योंकि इस समय अभी खाली है। और आप यहाँ पे कितना टाइप का गेम देखे, आपको कुछ गेम समझ में आया? बहुत सारा गेम है, ऐसे केवल फिल्मों में देखते हैं हम लोग इस तरह का कैसीनो का सीन, यहाँ पे अभी देख रहे हैं बहुत तरह का है। सो इट्स अ ब्राइट सनी डे और मैं आ गया नहा धो करके।
सबको भी जा रहे हैं कोई एक्टिविटीज खोजने के लिए यहाँ पर। तो अभी शायद बज रहा है 9 और अभी कोई एक डांस एक्टिविटी हो रहा है, अभी लोग सब जा रहे हैं चेकआउट करने के लिए। सो दिस इज डेक 5 और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेक, क्योंकि यहाँ पे है सारे गेस्ट रिलेटेड सर्विसेज। जैसे यहाँ पे है ये रिसेप्शन जहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, यहाँ पर से वाईफाई कनेक्शन आपको लेना है तो यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। इसके बगल में है चेयरमैन्स क्लब जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और इसके बगल में गेट है चॉपस्टिक का, यहाँ पे बॉक्स ऑफिस जिसमें से आप कुछ और चीज़ का बुकिंग करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और इसके बगल में है शोर एक्सकर्शन, और शोर एक्सकर्शन के लिए यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लक्षद्वीप कोची या मुंबई का शोर एक्सकर्शन करना चाहते हैं। और इसके बगल में ही है मार्केट थिएटर जहाँ पे सारे अच्छे थिएट्रिकल प्रोग्राम जो कॉरिडोर क्रूज के एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन हाउस से होते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सो इन डेक 5 वी हैव अ टेबल टेनिस कोर्ट, इधर में चॉपस्टिक रेस्टोरेंट है, एंड यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग भी हो रहा है। ये इनका फोटो गैलरी, यहाँ पर से आप लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी जो प्रोडक्ट वाले उनकी तरफ से ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। तो अभी हम लोग है डेक 6 में। डेक 6 के आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है। दिस फ्लोर इज कॉल्ड इंटरनेट कैफे। वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे डेस्क बना हुआ है लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना कंप्यूटर खुद लाइए और यहाँ पे बेस्ट नेटवर्क मिलेगा इफ़ यू हैव ऑलरेडी परचेस्ड द इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द क्रूज। डेक 8 में है अशोक कॉल्ड लाइब्रेरी, यहाँ कुछ किताबें रखी हैं, आप चाहे तो यहाँ इत्मीनान से समुंदर के नज़ारे लेते हुए बुक्स पढ़ सकते हो। डेक 10 पे कॉर्डेलिया अकेडमी है, इट इज काइंड ऑफ अ चिल्ड्रंस डे केयर kindergarten। Very good. She is doing good. Go, go, go. There are two complimentary dining options in the cruise, Starlet restaurant in 4th and 5th floor, and then there is a food court in deck 10. आज भी है पानी 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 और तुम भी।
So what's in for today? So every day when you go in your room, first apartment will get there. This meeting will be scheduled. Scale according, you can go and attend whatever activities you want to do. So I'm going for a musical event at Chairman's Club. Let's see. अपना ही साया देख के तुम्हारे जाने जहां शर्माग अभी तो ये पहली नजर तुमको अभी से बतलाग अपना ही साया देख के तुम्हारे जाने जहां शर्माग अभी तो ये पहली नजर अभी डीजे नाइट में डांस करके रात के 1 बजे थक गया, सब कोई पानी पी रहा है, रेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी रात ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग अब जाएंगे इसके बाद में डेक 6 में, जहाँ पे कनेक्शंस में इंडियन म्यूजिकल शो हो रहा है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ का मज़ा लेते हैं। चलिए तब ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या लेके आए हैं? यहाँ पे तो रोज अच्छा अच्छा वैरायटी है ना? हाँ। तो
मतलब खाने के लिए तो कुछ कमी नहीं होता, इनफैक्ट लग रहा होता है कि हम लोग रोज बफे बहुत अच्छा खासा जिसमें वैरायटी हो वो खा रहे होते और क्या बोलते हैं खाना भी तभी होता और अच्छा। देखिए मेरे को लग रहा है शायद कोची पहुंच भी गया है यहाँ पे। Cochin. Cochin is one of the biggest cities of Kerala, having a big population of 2.1 million people in Cochin, including all the suburbs. And Cochin is divided into three parts. The first part is Ernakulam, the modern city, the busy town. On the other side of your ship, you can see the huge buildings. That area is the modern city, which is called Ernakulam. And not much tourist attractions are there in the modern city, but that's a busy town. Second part of Cochin is there are many islands in Cochin, many islands. And one of the biggest island is Yellingam Island. That's a man-made island. So now we are on that island. This is the man-made island. फ्ली मार्केट तो वो है और यहाँ पे क्या व्यू है, यहाँ पे से पूरा पोर्ट दिख रहा है सारा कुछ और वो वहाँ पे हमारा शिप जिसको हम वापस से बोर्ड करके जाएंगे। सो इस तरह से हमारा फोर्ट कोची बीच का विजिट कंप्लीट हो गया। सो इट वॉज क्वाइट नॉट सो मच, लेकिन हम लोग को ये फोर्ट कोची के पास में छोड़ दिया, एक चर्च था उसके पास में लोग गए और थोड़ा बिल्डिंग्स का पुराने बिल्डिंग्स का नजारा लिया। एंड गेट बैक टू आवर बस एंड बैक टू आवर क्रूज। बाय। Thank you.
इस तरह से हम लोग अभी अपना लक्षद्वीप का जो एक्सकर्शन था ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग था राइट। हाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें बनाना राइड था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। दो बार हम गिरे, एक बार मिस्टेक गिर गए, एक बार हमें गिराया गया और इतना मजा आया कि मत पूछो यार, बहुत मजा एक्चुअली। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? हाँ मेरे को भी ऐसा लगा था कि सबसे ज्यादा मजा मेरे को स्नॉर्कलिंग में आएगा क्योंकि वो यूनिक है, पापा में भी नहीं किए थे तो, लेकिन एक्चुअली मेरे को सबसे ज्यादा मजा बनाना राइड में आया क्योंकि मेरे को लगता था कि ये तो बहुत कॉमन स्पोर्ट्स है, इसको क्या करेंगे, तो इसलिए हमेशा हर जगह उसको अवॉइड कर देते थे, लेकिन आज किए तो आज बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। और इनफैक्ट खुले समुंदर में कयाक करने का भी अलग एक्सपीरियंस है जो पहली बार हमने किए, तो उसमें भी बहुत मजा आया और सबको एंजॉय किए। और अभी हम लोग कपड़ा उपड़ा चेंज करके स्टोक हो गए, अब इसके बाद हम लोग वापस जाएंगे अपने शिप पे जाएंगे और इसके साथ हम लोग करते हैं इस ट्रिप का एंड। आई होप यू लाइक इट और आपको अगर ये पसंद आया तो अभी जरूर आना और अभी ये ट्रिप जरूर करना। टिल देन बाय बाय।